जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 4 संकल्प पेश करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है। तो आइए 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदल जाएगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद पाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी ही वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं रहेगा, यानी राष्ट्र ध्वज तिरंगा रहेगा। जम्मू कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। इसी के साथ आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहां के स्थायी नागरिकों को ही था। दूसरे राज्य के लोग यहां वोट नहीं दे सकते और न चुनाव में उम्मीदवार बन सकते थे। मगर अब नरेंद्र मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत का कोई भी नागरिक वहां के वोटर और प्रत्याशी बन सकते हैं। 5वां अहम बदलाव ये है कि जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब सरकारी नौकरी पा सकता है। इससे पहले सिर्फ वहां के स्थायी निवासी ही वहां पर सरकारी नौकरी कर सकते थे। बता दें कि अमित शाह के पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर अब अलग राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होगा। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कोई संविधान नहीं होगा। वहीं विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का हो जाएगा। कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया गया था। अब कश्मीर में आर्टिकल 356 का भी इस्तेमाल हो सकता है। वहीं प्रस्ताव के मुताबिक लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यहाँ विधानसभा नहीं होगी और इसका प्रशासन चंडीगढ़ की तरह चलाया जाएगा। आरटीआई और सीजेआई जैसे कानून भी यहां लागू होंगे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पिछले 70 सालों से लद्दाख के लोग यहां यूटी की मांग कर रहे थे। बहुत बड़े संघर्ष लद्दाख की जनता ने किए, कुर्बानियां दी, और वहीं जम्मू और कश्मीर के अंदर भी जम्मू कश्मीर की सभी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की गरीब जनता का खून चूसा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ धोखा दिया। लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई के अंदर जाके अपने बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स किए और जम्मू कश्मीर की जनता को यहाँ की जो मुख्यमंत्री रहे, स्टेट के अंदर जो सरकारें रही, उन्होंने हमेशा गरीब जनता को धोखा दिया। पहली बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारी केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है। ये जो निर्णय आया है ये जनता के हित में है।